दिबांजलि मोइत्रा। धोनी के दस्ताने का मुद्दा भारत से लेकर पाकिस्तान तक छाया हुआ है। सेना का बैज लगाकर मैदान में उतरे पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से पूरा पाकिस्तान जल भुन रहा है। पाकिस्तान सरकार के मंत्री तक बयान देकर आईसीसी से धोनी को सेना का प्रतीक चिन्ह पहनकर मैदान में उतरने से रोक लगाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं भारत भी अपने लेजेंड खिलाड़ी धोनी के साथ पूरी मुस्तैदी से खड़ा है। बीसीसीआई ने भी साफ कह दिया है कि हम आईसीसी को एमएस धोनी को उनके दस्ताने पर बलिदान पहनने की अनुमति लेने के लिए पहले ही चिट्ठी लिख चुके हैं। बीसीसीआई के सख्त रुख अपनाने के बाद लगता है आईसीसी बैकफुट पर आने को तैयार हो गया। आईसीसी के सूत्रों के मुताबिक अगर एमएस धोनी और बीसीसीआई आईसीसी को ये सुनिश्चित करे कि बलिदान बैज में कोई राजनीतिक, धार्मिक या नस्लीय संदेश नहीं है, तो आईसीसी इस अनुरोध पर विचार कर सकता है। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल और डीजीएमओ विनोद भाटिया ने कहा है, एमएस धोनी ने अपने दस्ताने पर बलिदान का समर्थन करके जो किया है उसकी गलत तुलना की जा रही है। इसके बारे में कुछ भी राजनीतिक, धार्मिक, कमर्शियल नहीं है। धोनी के ग्लव्स से बौखलाए पाकिस्तान सरकार के मंत्री फवाद चौधरी ने ट्वीट कर कहा था, धोनी इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने गए हैं, न कि महाभारत के लिए। भारतीय मीडिया में एक मूर्खतापूर्ण बहस है। भारतीय मीडिया का एक वर्ग युद्ध से इतना प्रभावित है कि उन्हें सीरिया, अफगानिस्तान या रवांडा में भाड़े के सैनिकों के रूप में भेजा जाना चाहिए। वही इस मसले पर केंद्रीय खेल राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है, खेल निकायों के मामलों में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है, वे स्वायत्त हैं। लेकिन जब मुद्दा देश की भावनाओं से जुड़ा होता है तो राष्ट्र के हित को ध्यान में रखना होता है। मैं बीसीसीआई से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो इस मामले को आईसीसी में उठाए। आपको बता दें, धोनी के ग्लव्स पर लगे जिस बैज को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस छिड़ी हुई है, वो बैज पैराशूट रेजिमेंट के विशेष बलों के पास होते हैं, जिन्हें बलिदान के रूप में जाना जाता है। इस बैज में बलिदान शब्द को देवनागरी लिपि में लिखा गया है। ये बैज चांदी की धातु से बना होता है, जिसमें ऊपर की तरफ लाल प्लास्टिक का आयत होता है। ये बैज केवल पैरा कमांडो द्वारा पहना जाता है। साल 2015 में धोनी ने आगरा के पैरा ट्रूपर स्कूल में भारतीय वायुसेना के विमान से पांचवी छलांग पूरी की थी, जिसके बाद उन्हें ये बैज लगाने की अनुमति मिली थी।